गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रसायन की मूल अवधारणाओं के संबंध में आगे की चर्चा करते हैं। इससे पहले की कक्षाओं में हमने रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके, उनकी संतुलित करने की विधियां और उन रासायनिक समीकरणों की कमियों के बारे में देखा था। आज हम उन कमियों के बारे में कुछ बातें देखते हैं कि क्या सीमाएँ हैं रासायनिक समीकरणों की। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो हमें उस रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। उस भौतिक अवस्थाओं का जिक्र उस समीकरण में किसी तरीके से नहीं होता है। दूसरा, भौतिक अवस्थाओं के अलावा रासायनिक समीकरण में जो क्रियाकारक और उत्पाद पदार्थ बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं उनकी सांद्रण की जानकारी भी हमको रासायनिक समीकरणों को देखने मात्र से नहीं हो पाती है। पिछली कक्षा में मैंने भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया था कि वे भौतिक अवस्थाएं का तात्पर्य होता है किसी पदार्थ की द्रव, ठोस या गैस होने की स्थिति, परंतु कल एक बिंदु के रूप में मैंने उन्हें फिर से लिख दिया था, अर्थात द्रव, ठोस और गैस की जानकारी नहीं मिलती ऐसा भी लिखा था, और भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त नहीं होती ऐसा लिखा था। वास्तव में इन दोनों का एक ही तात्पर्य होता है, इसलिए मैं आज इस बात को जरूर एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा था जिससे आपके मन में कोई भ्रम ना हो। ठीक, भौतिक अवस्थाओं एवं सांद्रण के अलावा अभिक्रिया किन अवस्थाओं में हो रही है, किन स्थितियों में हो रही है, अर्थात ताप, दाब, आयतन इत्यादि की जानकारी भी हमें उस रासायनिक समीकरणों को देखने मात्र से नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा हम किसी रासायनिक समीकरण में वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय, अभिक्रिया है इसकी जानकारी भी हमें सिर्फ समीकरणों को देखने मात्र से नहीं हो पाती। कोई अभिक्रिया का वेग कितना है ये जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरणों को देखने से होनी चाहिए। अतः अभिक्रिया के वेग की जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों को देखने से नहीं हो पाती है। इसके अलावा हमें कौन कौन सी जानकारियां और नहीं हो पाती है रासायनिक समीकरणों में, उन्हें हम देखें तो हम पाते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी रासायनिक समीकरणों के माध्यम से पता नहीं चलती। अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरणों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अपन देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरणों से हमें उसकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं हो पाती, उसके सांद्रण की जानकारी हमें नहीं हो पाती, उसके ताप, दाब और उत्प्रेरक संबंधी जानकारी हमें नहीं हो पाती है, अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं हो पाती है, अभिक्रियाओं किस दिशा में चल रही है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अथवा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये हमें पता नहीं चल पाता है, अभिक्रिया के वेग की जानकारी हमें हो नहीं पाती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि हमें पता नहीं चलती है, अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मीय परिवर्तन हमें पता नहीं चलते। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया में कौन सी सावधानियां रखनी है इनकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। तो हम इन बिंदुओं को देखें तो हम पाते हैं कि सिर्फ रासायनिक समीकरण को जिस तरीके से हम लिखते हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारियां हो नहीं पाती हैं। तो ये हमारे लिए
इस सीमाएं हैं रासायनिक समीकरण की, और ये हमारे लिए एक चुनौती होती है कि हम इसको किस प्रकार और कौन से उपाय करें जिससे कि हम इन कमियों को दूर कर सकें। तो अब हम इसे मिटाते हैं और अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों की कमियों को अपन कैसे दूर करके आजकल लिखते हैं। रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करना, रासायनिक समीकरणों में जो कमियां हमने अभी अभी देखी उन्हें दूर करने के लिए हम किस तरह से उन्हें दूर कर सकते हैं उन्हें देखते हैं हम। सबसे पहले किसी रासायनिक समीकरण में उसकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी देने के लिए हम उसके संकेत के रूप में गैस के लिए स्मॉल जी, द्रव के लिए स्मॉल एल और ठोस के लिए स्मॉल एस लिख देते हैं। अर्थात अगर कोई समीकरण है H2 2H2, ये गैस है, प्लस O2 2H2O, ये वाष्प के रूप में हमें जल प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, तो गैस के लिए हम G का संकेत लिखते हैं। यदि पानी प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में, ये पानी ये जली विलयन है किसी पदार्थ का, हो तो उसके लिए एक्वा AQ संकेत का प्रयोग करते हैं। तो पहली कमी हम दूर कर लेते हैं भौतिक अवस्थाओं संबंधी, जिसका उदाहरण यहां था भौतिक अवस्था संबंधी कमी दूर करने के लिए ठोस के लिए स्मॉल s, द्रव के लिए स्मॉल l एवं गैस के लिए स्मॉल g पदार्थ के निकट लिखते हैं, ये पदार्थ के निकट उसका संकेत लिख देते हैं। तो इस तरीके से भौतिक अवस्थाओं का जो रासायनिक समीकरण में उल्लेख इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे मिटाते हैं। एक कमी हमने देखी कि रासायनिक समीकरणों से हमें सांद्रण की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो सांद्रण संबंधी कमी को दूर करने के लिए रासायनिक समीकरण में अम्ल के
नीचे तनु अथवा सांद्र लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिंक और HCl की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनती है। तो यहां पर हमें इस रासायनिक समीकरण से यह जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है कि ये जो HCl लिया गया है ये तनु है अथवा सांद्र है। तो इस बात को संकेत करने के लिए कि ये तनु स्पष्ट करने के लिए कि हमने ये तनु अम्ल लिया है अथवा सांद्र अम्ल लिया है, इसके नीचे में उसकी सांद्रता का उल्लेख कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये सांद्र होता तो यहाँ हम सांद्र लिख देते, यहाँ तनु है तो हम यहाँ तनु लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी सांद्रता का की कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरा, यदि हमारे रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस बन रही है या कोई अवक्षेप बन रहा है बने, तो गैस के लिए एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जो ऊपर की ओर दर्शित होता है, ऊपर की ओर इंगित करता है, तथा अवक्षेप को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जो नीचे की ओर इंगित करता है। ऊपर की ओर इंगित करने का तात्पर्य हुआ कि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गैस है, और जो नीचे की तरफ इंगित कर रहा है उसका तात्पर्य होता है वो अवक्षेपित हो रहा है और वो ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन सिर्फ इसी तरीके से अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में एक एरो का चिन्ह ऊपर लगा दिया जाए ठीक उसके बगल में, उस पदार्थ के बगल में, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पदार्थ गैसीय अवस्था में है। तो इतनी इस कमी को दूर करने के लिए अगर हम ये एरो लगा देते हैं तो हमें रासायनिक समीकरण से एक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से अगर एक मिनट, इसे थोड़ा सा मैं इसके दूसरे उदाहरण को जो अवक्षेप को प्रदर्शित करने संबंधी उदाहरण है उसको इसे मिटा के लिखता हूं। बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस HCl बनता है। यहां पे बेरियम सल्फेट अवक्षेपित होता है। इसके लिए अगर हम बेरियम सल्फेट के बगल में एक एरो लगा दें जो नीचे की ओर इंगित करता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर बेरियम सल्फेट अवक्षेप है और वह तली में उसके बैठ जाता है ना, ठोस रूप में एकत्र हो जाता है। किसी रासायनिक समीकरण में हमें उसके उत्प्रेरक ताप एवं दाब संबंधी जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल रासायनिक समीकरण लिख दें, जैसे ये एक समीकरण लिखा हुआ है, इसमें कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुई है अथवा कितने ताप या दाब में हुई है, ये जानकारियां हमें प्राप्त नहीं होती।
इस कमी को दूर करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण में जो समता का चिन्ह है, बीच में जो एरो अथवा बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, इसके ऊपर हम वह जानकारी प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे उत्प्रेरक की जानकारी हेतु समता के चिन्ह के ऊपर उत्प्रेरक का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम ट्वाइस KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया से KCl और ट्वाइस KCl और थ्राइस O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो चूंकि गैस के लिए तो एक चिन्ह था, इसको हमने इससे पहले देखा था, लेकिन ये अभिक्रियाओं के लिए कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लाया जा रहा है, उस उत्प्रेरक के बारे में हमें लिखने के लिए यहां पर हम M इस उत्प्रेरक का उल्लेख कर देते हैं, MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में आया हुआ है और जिसको कि हम इस एरो के ऊपर लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणी है अथवा अनुत्क्रमणी है तो उसकी जानकारी के लिए हम अभिक्रिया में जो समता का चिन्ह है उसे उसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम जिन उदाहरणों को देख रहे हैं ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि वो एक ही दिशा की ओर चल रही है और उसे एक ही एरो के द्वारा दर्शा रहे हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि N2 प्लस थ्राइज S2 इक्वल टू ट्वाइज NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है और एक खास परिस्थिति में ये क्रियाफल फिर क्रियाकारक में बदल जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए एक एरो इस तरफ से लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक एरो इस तरफ की अभिक्रिया को दर्शा रहा है और दूसरा एरो ये दर्शा रहा है कि ये प्रोडक्ट फिर से क्रियाकारकों में बदलता है, तो यह दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया हो जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो यह तीर का चिन्ह उस रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता संबंधी कमियों को दूर करता है। हमने देखा था कि किसी रासायनिक समीकरण में ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी हमें नहीं मिलती है, कमी के रूप में देखा था हमने। तो ऊष्मीय परिवर्तन हर अभिक्रियाओं में होता है। कोई अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन सामान्यतः समीकरण की लिखने की जो परिपाटी थी उससे वो जानकारी नहीं मिलती थी। उस कमी को दूर करने के लिए किसी भी समीकरण में हम जो ऊष्मा की मात्रा निकलती है या अवशोषित होती है उसे समीकरण के आगे लिख दिया जाता है।
यदि धन चिन्ह के साथ में उस ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है तो उसका तात्पर्य होता है कि ऊष्मा मुक्त हो रही है, यानी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और यदि ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो इस तरीके के वर्णन से हम ऊष्मा परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए मुक्त ऊष्मा को धन चिन्ह व अवशोषित ऊष्मा को ऋण चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण में ऊष्मा मुक्त होती है तो हम उसे धन चिन्ह के साथ लिखते हैं और साथ में ऊष्मा की मात्रा 94,300 कैलोरी। यह ऊष्मा की मात्रा धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है, इसका तात्पर्य होता है कि ऊष्मा मुक्त हो रही है। इसी तरीके से अगर कार्बन की अभिक्रिया सल्फर के साथ की जाए तो हमें मिलता है CH2। इस प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषित होती है तो हम अवशोषित ऊष्मा को ऋणात्मक चिन्ह के साथ में -22,000 कैलोरी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रा ऊष्मा के अवशोषण की यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का प्रदर्शन करती है और ऐसा लिखने पर हमें उस रासायनिक अभिक्रिया के ऊष्मा क्षेपी होने की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ बातें जो रासायनिक अभिक्रिया में हमको पता करनी होती है, जैसे कि ताप और दाब का वर्णन। तो ताप व दाब संबंधी जानकारी समता के चिन्ह तीर के चिन्ह के ऊपर दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसमें जो 450 डिग्री तापमान और 200 वायुमंडलीय दाब की परिस्थिति आवश्यक होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम ऊपर लिख देते हैं तीर के चिन्ह के ऊपर, और नीचे हम उस अभिक्रिया की भौतिक अवस्थाओं संबंधी जानकारियों को वर्णित करके ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इस प्रकार रासायनिक समीकरणों से संबंधित जानकारियों को, जो कमियां थी, उन्हें इन तरीकों से हम दूर करते हैं। और हमने देखा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं तो आप जब भी इस तरह की स्थितियां देखोगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से हम इनको दूर करते हैं। चलिए, इसमें यदि रासायनिक समीकरणों में एक स्थिति को हम और देख लेते हैं। जैसे यदि कोई अभिक्रिया तापमान की उपस्थिति में हो रही है, सिर्फ गर्म करने पर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर होती है और सिर्फ गर्म करने के पर कोई विघटन होता है तो हम उसको एक त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि कोई पदार्थ का कोई अभिक्रिया अगर ऊष्मा की उपस्थिति गर्म करने पर हो रही है तो उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इन रासायनिक समीकरणों की जानकारी के पश्चात अब हम लोग देखते हैं, कुछ संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं जो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उस पर आधारित हैं।
हम जितने भी सिद्धांत से संबंधित बातें पढ़ते हैं बच्चों, उन सब के जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं जो उस पर आधारित होते हैं, और उन्हें बनाना अत्यंत जरूरी है क्योंकि ये आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं से ज़्यादा संबंधित होते हैं और आगे चल के हमें ये बहुत काम आते हैं। हम एक प्रश्न देखते हैं। 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्णतः घोलने के लिए कितने ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके समीकरणों का अध्ययन करते समय हमने जो जानकारियां मिलती हैं रासायनिक समीकरणों से, उसमें हमने उल्लेख किया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उसका जो आणविक द्रव्यमान प्रयोग में लाया जाता है और वह जितने आणविक द्रव्यमान से दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करता है वह उसके पूर्णतः अभिक्रिया के लिए आवश्यक द्रव्यमान होता है। तात्पर्य यह हुआ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से यदि कराई जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है, H2O बनता है। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के अणु भार की गणना करें तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और यहां पे O3 है यानी कि 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 16 × 3 अर्थात 48। तो 24 × 12 × 48 और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 84। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अगर गणना करें आणविक द्रव्यमान की तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हो गया 1 × 2, हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 × 2 × सल्फर अकेला है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 × ऑक्सीजन का 16, तो ये 16 × 4 ऑक्सीजन है, तो हमें प्राप्त होगा यहां 2 × 32 × 16 = 64। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ये 4 × 2 = 6 × 2 = 8 × 6 + 3 = 9 अर्थात 98। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है किसी भी रासायनिक समीकरण से जो हमें प्राप्त होती है। और यहां मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्णतः घोलने के लिए कितने ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल लगेंगे, हम यहां देख रहे हैं रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और पूर्णतः अभिक्रिया होने का तात्पर्य है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के 84 ग्राम पूर्णतः घोलने के लिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा, या इसका एक और मतलब कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट साथ में पूर्णतः अभिक्रिया करता है। तो किसी रासायनिक समीकरण से हमें एक ये महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अब इस आधार पे हम अपने इस सवाल को हल करते हैं। इसकी शेष बातों को मैं यहां लिखता हूं। चूंकि हमें पूछा क्या गया है 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को घोलने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा, तो चूंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट के 3 ग्राम घोलने की जानकारी मांगी गई है तो अभी 84 ग्राम को लेकर हम पहले लिखते हैं। चूंकि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है, यह अभिक्रिया करेगा बराबर इस 98 यानी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है 84 ग्राम
मैग्नीशियम कार्बोनेट आवश्यक है को पूर्णतया घोलने के लिए अंठानवे ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल आवश्यक है। हम इस तरीके से अथवा एक सांकेतिक रूप में इस तरीके से इस बात को लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न अब स्पष्ट होते जा रहा है कि जब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 98 ग्राम की आवश्यकता है तो 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए कितना। तो एक एक नियम से हम इसे बना सकते हैं। मैं यहां पे इसे मिटाता हूं। उसी के आगे के हिस्से को तो या आता है एक ग्राम के लिए एक ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए आवश्यक H2SO4 की मात्रा बराबर 84 ग्राम के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एक ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए हो जाएगा कितना 98/84 ग्राम। भाग दे देंगे हम इसे। हमें प्रश्न में 3 ग्राम के लिए पूछा गया है तो 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बराबर 98/84 × 3 ग्राम। अब इसे इसकी गणना करने की आवश्यकता है तो हम देखते हैं, इसे देखते हैं आगे गणना करके। अब देखिए हमें जो मिला हुआ है 98 × 3/84, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे 3 से काटने की कोशिश करते हैं। ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 से इसको भाग दिया तो 3 × 1 = 3 आया। इसको भी हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 × 2 = 6, 2 = 2 और ये 4 = 24 बन गया, 3 × 8 = 24। हमारे पास बचा 98/28। देखिए शायद ये कट रहा हो किसी से, 7 से ये कट रहा है, तो एक 7 की संख्या से काटते हैं तो ये बन रहा है 7 × 4 = 28 और ये हो रहा है 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28। 7 से ये दोनों डिवाइड हो रही है तो अब हमारे पास बच गया 14/4। हम एक बार और इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमको मिलेगा 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, यानी हमारे पास इसके बाद जो बचा वो है 7/2। 7/2 ग्राम अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसे भाग दे सकते हैं। अगर हम यहां भाग देते हैं तो हमें मिलता है 3.5 ग्राम। ये 3.5 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा। हम उत्तर को प्रश्न के अनुसार हम लिखें तो ये बेहतर होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्णतया घोलने के लिए के लिए 3.5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी।
तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और जो एक और लिखने का जो तरीका है कि अंत में उत्तर को हम इस तरीके से लिखकर इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न के बाद हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, इसे आप नोट कर लें तो इसे अपन मिटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसे मिटाते हैं और हम अगले प्रश्न में आते हैं। इसी प्रकार का फिर हम लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नमूने में 20% हाइड्रोजन क्लोराइड है। HCl के एक नमूने में 20% HCl है, ये अम्ल है कि एक नमूने में 20% HCl है। 20% HCl होने का मतलब बाकी जलीय पदार्थ हो सकता है या कुछ और, अर्थात हमने जो नमूना लिया है उसमें कुछ अशुद्धियां भी हैं और HCl की मात्रा 20% है। लिखता है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से पूर्णतः अभिक्रिया करने पर पूर्णतः अभिक्रिया करने पर इस अम्लीय नमूने के कितने ग्राम आवश्यक होंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ हो रही है, तो उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl इज इक्वल टू ट्वाइस HCl इज इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। इस अम्ल नमूने के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो यह प्राप्त होता है 100, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और प्लस 16 तिया 48, 8 तो 10 की शून्य हासिल है, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 और 4, 10। HCl का हो गया 2 × 1 = 35.5, मतलब 2 × 36.5 यानी कि 73, टोटल कितना हुआ 73, और कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो अब ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न को बनाया था, हम आगे गणना करते हैं। क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है 73 ग्राम HCl के, क्योंकि ये इससे पूर्णतः अभिक्रिया करने पर खर्च हो रहा है, तो हमें तो ज्ञात करना है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की स्थिति। अतः 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की तुल्य होगा 73/100 ग्राम के। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य होगा
तिहत्तर बटे सौ गुणित पचास ग्राम। इसे हम गणना करते हैं, आगे इसे मिटाते हैं। ये गणना करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा प्राप्त होगी पचास, हम उसी को दोबारा लिख रहे हैं फिर से, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होगा। हल करें इसे तो हमें मिलेगा ये 50 से हम देखें ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दुनी 10 यानी 73 बटे 2, अर्थात इसे भाग दिया जाए तो मिलेगा 36.5 ग्राम। तो इसका तात्पर्य है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमें 36.5 ग्राम HCl की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो हमने जो HCl लिया हुआ है वो HCl है 20% हाइड्रोजन क्लोराइड है उसमें। चूंकि HCl के नमूने में 20% HCl है, प्रतिशत का तात्पर्य होता है 100 में, 20% का मतलब यह हो गया कि यदि नमूना 100 है तो उसमें 20% ही HCl है, पूरा नहीं है, अर्थात 100 ग्राम HCl के नमूने में 20 ग्राम HCl है। तो चूंकि हमें HCl की मात्रा निकालनी है इसलिए हम HCl वाले फिगर को इस तरफ लिखें तो वो ज्यादा सुटेबल होगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा के इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखता हूं। बीस ग्राम HCl है 100 ग्राम HCl के नमूने में, तो 20 ग्राम HCl 100 ग्राम नमूने में है तो हमें प्राप्त 36.5 ग्राम HCl होगा। कितने नमूने में, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। होगा 100 गुणित 36.5/20, इसका मतलब हुआ 20 × 100, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 20 × 100 यानी 5 गुणित 36.5 यानी जो नमूने की मात्रा आएगी वो आएगी 25 की 5, 5 × 6 = 30 और 2 = 32, 5 × 3 = 15 और 3 = 18 यानी 182.5 ग्राम। अर्थात हमें HCl के 182.5 ग्राम नमूने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम इस प्रश्न में नमूने की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आज इसके रासायनिक समीकरण की जो कमियां देखी और इसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल देखे, इसके पश्चात हम अगली कक्षा में मोल संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के अध्याय का अध्ययन करते समय हमने उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के चिन्ह संबंधित कोई त्रुटि की थी, आइए हम उसे सुधारते हैं। हमने
उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए एक डबल एरो वाले चिन्ह जिसमें एक का संकेत आगे और एक का संकेत पीछे होता है, इसका इस्तेमाल किया था। इसे हम सुधार कर इस प्रकार देखते हैं, उत्क्रमणी अभिक्रियाओं के लिए हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हमें इस तरह के डबल एरो वाले चिन्ह की जरूरत नहीं होती है, हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं हेतु ये चिन्ह, एक एरो वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं।